हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे धरती धकेल पहाड़ तोड़ सुपर हीरोज की मूवीज में दिखाई गई ह्यूमंगस ताकत क्या विज्ञान की नजरों से पॉसिबल है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें मूवीज में देखकर न्यूटन चाचा अपनी कब्र से वापस आकर इन मूवीज बनाने वालों का मर्डर करने के लिए मजबूर हो जाते। बचपन से ही हमने सुपर ह्यूमन ताकत रखने वाले रियल लाइफ हीरोज की कहानियां सुनी है, जैसे किसी इंसान ने गाय को कंधे पे उठा लिया या किसी ने बैलगाड़ी को उठा लिया, जो कि कुछ हद तक सही भी हो सकता है। पर इस वीडियो में जिस ताकत के बारे में हम बात करेंगे वो आपने सिर्फ मूवीज में ही देखी होगी, जैसी ताकत हरक्यूलिस से लेकर हल्क ने मूवीज में दिखाई है। पर अगर आपको इसके पीछे का विज्ञान समझ आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप ये ताकत फ्री में भी लोगे। तो चलो सुनते हैं विज्ञान के बोल और खोलते हैं ताकत की पोल। सुपर स्ट्रेंथ कमाल की चीज है। आप दीवार तोड़ सकते हो, ऐसी चीजें उठा सकते हो जो किसी के लिए भी संभव ना हो, और ऐसे सुपर विलन्स की धुनाई कर सकते हो जिन्हें आपके बिना रोकना नामुमकिन हो। पर मूवीज में देखकर हम सिर्फ इस ताकत के पीछे की सच्चाई से जुड़े सिर्फ एक ही पहलू को देखते हैं। पर अगर दूसरे पहलू पर ध्यान दिया जाए तो सुपर स्ट्रेंथ काफी सारी परेशानी खड़ी कर सकती है। तो अगर हम ताकत की बात करें जो हमारी मसल्स पैदा कर सकती हैं, तो उसे नापने के लिए हम स्ट्रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसके अंदर होती है एक कॉइल जिसमें से लो वोल्टेज करंट फ्लो करता है, और जब आप इसे पंच करोगे तो कॉइल की लेंथ चेंज होने की वजह से वोल्टेज में अंतर पैदा होगा, और ये अंतर बताएगा कि आपकी मसल्स ने पंच करने में कितनी ताकत का इस्तेमाल किया। अंदाजे के लिए 2,500 न्यूटन का पंच एक जबरदस्त पंच होगा। पर हम बात कर रहे हैं सुपर स्ट्रेंथ की, जो पंचिंग बैग नहीं बल्कि दीवारें तोड़ सके और सुपर विलन्स की हड्डियां भी। अब यहाँ ये गलती मत कर देना कि 2500 न्यूटन की ताकत लेकर किसी सुपर विलन से भिड़ जाओ, सुपर विलन आपका कचूमर निकाल देगा। तो दीवारें तोड़ने के लिए और सुपर विलन का भरता बनाने के लिए आपको चाहिए सुपर स्ट्रेंथ। तो आखिर कॉन्क्रीट की दीवार को तोड़ने के लिए कितने न्यूटन की ताकत चाहिए अभी बता देते हैं। तो अगर मैथ का सहारा लिया जाए तो हमें पता चलता है कि आपके पंच का सरफेस एरिया और कंक्रीट दीवार की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इन दोनों कैलकुलेट करने के बाद 2500 न्यूटन से तो दीवार ना टूटने वाली, बल्कि इसे तोड़ने के लिए चाहिए 250,000 न्यूटन की फोर्स, यानी एक नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकत। तो अगर ये वीडियो देखने से पहले दीवार तोड़ने का मन हो रहा था तो अब ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पर चलो एक बार को मान लेते हैं कि आप 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो, भाई साहब अब आप ना जीने दोगे किसी को भी, क्योंकि किसी मूवी का डायलॉग था, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, भाड़ में गई जिम्मेदारी, लेट्स एंजॉय सुपर स्ट्रेंथ। और ये मेरे विचार नहीं, ये आपके विचार हो सकते हैं। और अगर आपके विचार कुछ ऐसे ही हैं, तो आपके लिए विज्ञान के पास अभी और भी बहुत कुछ है कहने को। हमारा समाज सारी एवरेज चीजों के लिए ही बना है, जैसे मार्केट में कपड़े और जूते की सबसे ज्यादा वैरायटी एवरेज लेंथ के लिए ही अवेलेबल होती है, और ये तो सिर्फ एक ही एग्जांपल था। हमारा समाज हर चीज के लिए एवरेज को ही लेकर चलता है। तो इतनी जबरदस्त ताकत आपके पास अगर होगी तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो भैया कॉपी पेंसिल लेकर हो जाओ तैयार, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। हाथ लगाते ही दरवाजे के हैंडल उखाड़ लोगे, कॉफी पीने के लिए कप उठाओगे तो उसे तोड़ दोगे, और अगर चश्मा पहनने का शौक है तो उसे सीधा करने के चक्कर में भाई साहब पैसे में आग लगने वाली है, अब वो टूट जाएगा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा जेंटल तरीके से हम चीजों को इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपका ये भ्रम अभी दूर किए देते हैं, क्योंकि आप जितना डेलिकेट तरीके से किसी चीज को हैंडल करने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा आपके हाथ कांपना शुरू कर देंगे। चलो ये तो रोजमर्रा की परेशानी हो गई, अब जरा बात करते हैं सुपर विलन से लड़ने की सिचुएशन के बारे में। क्या आप सच में सुपर विलन की धुनाई कर पाओगे? शायद नहीं। अब आता है न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप एक दीवार को पंच करें तो वो ब्याज समेत आपको आपकी ताकत वापस कर देगी, जिसके बाद आपको मिलेगा फ्री का दर्द और सूजा या टूटा हुआ हाथ। लेकिन ये नियम जब क्यों छुट्टी पर चला जाता है जब ये पंच एक पर्दे पर किया जाए? विज्ञान में ये भेदभाव क्यों? इसमें बेचारे पर्दे की क्या गलती, उसका भी तो मन करता है अकड़ में खड़े होने को। आओ समझाता हूँ इसके पीछे की कहानी, थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़ेगा लेकिन झेल लेना, समझ में आ ही जाएगा। अब इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम न्यूटन के नियम को ठीक से समझते हैं। अब आप कहोगे अरे भैया न्यूटन का तीसरा नियम तो सबसे आसान चीज है, सीधी सी भाषा है, सीधा सा मीनिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिखाता हूँ दिक्कत। अगर इसमें कोई दिक्कत ना है तो ये भेदभाव क्यों करता है? अगर हर चीज इक्वल और अपोजिट ताकत लगाती है तो उस हिसाब से कोई भी चीज चलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फोर्सेस बराबर हैं और उनका डायरेक्शन अपोजिट है तो सब कुछ एक जगह रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये भी फिजिक्स के नियम में ही लिखा है। अब न्यूटन का नियम सही है तो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन वाला नियम गलत हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वाला नियम सही है तो भाई साहब न्यूटन चाचा आपकी फिरकी ले गए, सब खत्म।
जिंदगी बर्बाद। ओहो, घबराओ मत, लंबी लंबी सांसें लो। मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा। पहले एक उदाहरण देखो। ये ब्लॉक इस दूसरे ब्लॉक पर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन के नियम के हिसाब से दूसरा ब्लॉक भी 5 न्यूटन की रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा। अब हो सकता है आपके लिए ये बात नॉर्मल हो, पर 11वीं क्लास में मैंने इस नियम के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके जवाब में मेरे टीचर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उनकी दोनों किडनी मांग ली हूँ। हालांकि उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर अब सुनो मेरा लॉजिक। अगर मैं ब्लॉक ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो वो 5 न्यूटन की एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक बी 5 न्यूटन की रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर मैं ब्लॉक बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो वो एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो अब ब्लॉक ए रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अगर हम बार बार पॉइंट ऑफ व्यू स्विच करें तो ये तो एक इनफाइनाइट साइकिल बन जाएगी, एंड दिस इज टोटल नॉनसेंस। तो भैया आपके न्यूटन अंकिल ये बताना भूल गए कि वो किस बॉडी को एक्शन फोर्स वाली और किस बॉडी को रिएक्शन फोर्स वाली मानकर ये नियम बना रहे हैं। ये तो थी पहली दिक्कत। तो न्यूटन ने ये बात क्यों नहीं बताई? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ये चल क्या रहा है? चलो परेशान मत होना, मैं बताता हूँ। देखो न्यूटन का नियम सही है, बस हमने उसे सही तरीके से समझा नहीं है। अब न्यूटन के नियम को गलत समझने में आपका कोई दोष नहीं है, ये सारा रायता फिजिक्स की किताबें और उनको पढ़ाने वाले खूंखार टीचर्स ने फैलाया है। अब एक और उदाहरण देखो। मान लेते हैं कि हमें पता है कि किसने एक्शन किया, पर तब क्या होगा अगर हमें पता ही ना हो कि किसने एक्शन किया? मान लो दो गेंद जिनका मास सेम है, वो सेम रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ती जा रही हैं और आपस में टकरा जाती हैं। अब इससे पहले कि न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ लगाओ, जरा ये बताओ कि इन दोनों में से एक्शन किसने किया और रिएक्शन किस बॉल ने दिया? अब ये है एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम तो लग रहा है, लेकिन उसे लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्शन किसने किया जिसकी वजह से रिएक्शन आया। अब आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों बॉल्स ने एक साथ एक्शन किया, तो दोनों बॉल्स पर एक साथ रिएक्शन भी आया। अगर आप ऐसा करते हो तो ये बात तो न्यूटन के नियम को उखाड़ के नया नियम बना देगी, क्योंकि अब बनेगा नया नियम जो कहेगा इट डजंट मैटर हु डज द एक्शन बट रिएक्शन विल कम। पर इसमें भी कमी है। क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, यानी मैकेनिकल फिजिक्स में, कोई भी चीज एक साथ लेफ्ट और राइट नहीं हो सकती। एक समय पर या तो वो लेफ्ट होगी या राइट होगी। अरे वाह, आपने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया, यानी न्यूटन को ही गलत साबित कर दिया। तो अगर आजू बाजू चढ़ाकर आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराने के बारे में सोच रहे हो, तो हिलना मत, सोचना भी मत, पेन पेपर की तरफ देखना भी मत। न्यूटन का नियम बिल्कुल सही है, बस हम लोग उसे गलत समझ बैठे हैं। अब सुनो मेरी बात, जिसे सुनने के बाद आपको आएगी सस्ते आइंस्टाइन वाली फीलिंग। न्यूटन का तीसरा नियम लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरे नियम में फोर्सेस हमेशा पेयर्स में लगती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अपोजिट होता है, जिन्हें हम फोर्स पेयर कहते हैं। दूसरी चीज, ये फोर्स पेयर दो अलग अलग बॉडीज पर लगने चाहिए। तीसरी चीज, सेम फोर्स डिफरेंट मास पर सेम कंडीशन में सेम एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकती। इन तीनों चीजों को सुन के घबराना मत, मैं ठहरा पढ़ा लिखा देसी आदमी, तो इन तीनों चीजों का मतलब बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं फोर्स पेयर से। ये कुछ ऐसे होते हैं। FAB का मतलब है कि बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगा रही है, और -FBA का मतलब है कि बॉडी बी अपोजिट डायरेक्शन में ए पर फोर्स लगा रही है। अब दो अलग अलग बॉडीज से क्या मतलब है? अगर आप एक बॉक्स को धरती पर रख दो, तो बॉक्स और धरती दोनों अलग अलग बॉडी मानी जाएंगी, और बॉक्स धरती और धरती बॉक्स को अपनी तरफ सेम फोर्स से खींचेंगी। अब क्योंकि दोनों फोर्स पेयर हैं, सेम वैल्यू के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ना धरती हिलेगी ना बॉक्स हिलेगा। अब आप कहोगे ये ना चलता, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। अरे भैया कितने सवाल पूछोगे? मजाक कर रहा हूँ, पूछो पूछो, खूब पूछो, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? अगर फोर्स पेयर में फोर्सेस बराबर होती हैं, अपोजिट नेचर की होती हैं, तो तब क्या होता है जब हम स्काई डाइविंग करते हैं? अगर स्काई डाइविंग करते हुए मैं जितनी फोर्स धरती पर लगा रहा हूँ और धरती भी उतनी फोर्स वापस लगा रही है, तो मैं ही क्यों धरती की तरफ गिर रहा हूँ? धरती को भी तो ऊपर आना चाहिए, क्योंकि न्यूटन के नियम के हिसाब से अब फोर्स पेयर तो है जो बराबर भी है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, और अगर एक्शन ऊपर से गिरना है तो रिएक्शन धरती का ऊपर आना होना चाहिए। चलो हो गया आपका, अब मेरी सुनो। पहली बात तो इस केस में हमने एयर फ्रिक्शन को छुट्टी पे भेज रखा है, और दूसरी चीज, वाह जी वाह, कहां है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड? आपने बिल्कुल कमाल धमाल बवाल सवाल पूछा है, पर दिक्कत ये है कि आप न्यूटन के नियम को गलत लगा बैठे हो। मैंने अपनी तीसरी बात में बोला था कि सेम फोर्स सेम कंडीशन में दो अलग अलग मास को सेम रेट से एक्सेलरेट नहीं
करा सकती। माना न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से फोर्स पेयर बराबर हैं, अपोजिट भी हैं। पर न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में ये कब कहा कि दोनों बॉडीज में एक्सेलरेशन भी बराबर होगा? ये तो किसी ने बोला ही नहीं। आपका मास धरती के मास से बहुत कम है, फोर्स बराबर है, इसीलिए आप तो एक्सेलरेट करोगे पर धरती नहीं कर पाएगी। और ये बात न्यूटन का तीसरा नियम नहीं बल्कि पहला नियम बताता है, यानी इनर्शिया का नियम। जितनी फोर्स उतना एक्सेलरेशन, उतना ही इनर्शिया में बदलाव। अब इनर्शिया तो होती है मास की प्रॉपर्टी, तो आपका मास तो है कम, तो सेम फोर्स के लिए आप करोगे ताबड़तोड़ एक्सेलरेट, लेकिन धरती का मास है इतना ज्यादा, वो इतनी सी फोर्स से एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी, यानी धरती का इनर्शिया ना बदलने वाला। चलो एक बोनस चीज और बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक टेबल पर बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स का mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से एक रिएक्शन फोर्स भी होनी चाहिए। लो जी, वो भी आ गई। सब कुछ सही लग रहा है ना? अरे ना ना, जिंदगी इतनी आसान कैसे हो सकती है? यहाँ हम तीसरा नियम लगा ही नहीं सकते क्योंकि फोर्स पेयर तो है ही नहीं। फोर्स पेयर हमेशा अलग अलग चीजों पर लगते हैं, लेकिन यहाँ दोनों फोर्स एक ही बॉक्स पर लग रही हैं। एक्शन फोर्स बॉक्स लगा रहा है और रिएक्शन फोर्स भी बॉक्स पर लग रही है। ये फोर्स पेयर तो हो ही नहीं सकते। तो भैया इस केस में तीसरा नियम निकल चुका है सैर सपाटे पर। अब आता है सवाल कि अगर ये बराबर नहीं है तो हम मैकेनिक्स के क्वेश्चन में इसे बराबर क्यों लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो जो इस केस में है बॉक्स हिल नहीं रहा है, एक जगह रुका हुआ है, तो फोर्स को जीरो होना ही पड़ेगा क्योंकि मास जीरो नहीं है। और जब दोनों फोर्स जीरो हैं तो वो आपस में बराबर रखी जा सकती हैं। जैसे दो इक्वेशन जीरो के बराबर होने पर आपस में बराबर रखी जाती हैं। अगर ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है तो एक और एग्जांपल देखो। हम ये जानते हैं कि फोर्स पेयर का नेचर हमेशा अपोजिट होगा, जो कभी नहीं बदलेगा। तो इस इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉक्स को रख दो। अब यहाँ रिएक्शन फोर्स mg के अपोजिट डायरेक्शन में है ही नहीं। अगर mg को रिएक्शन फोर्स का फोर्स पेयर बनना है तो वो इस तरह से अपनी डायरेक्शन को बदल नहीं सकता। लो जी, निपटा दिए हमने सारे कंफ्यूजन। तो भैया टेबल वाले केस में न्यूटन का तीसरा नियम तो लगता ना, पर आप तो हो पूरे जिद्दी, खा बैठे हो कसम के वीडियो बनाने वाले। तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम, कुछ भी कर पर लगा के दे टेबल पर न्यूटन का तीसरा नियम। अब आप इतने प्यार से धमकी दे रहे हो तो कैसे मना कर सकता हूँ? अब देखो मेरा कमाल, मैं बिछाऊंगा फिजिक्स का ऐसा जाल जिसमें फंसेगा न्यूटन का तीसरा नियम। ये जो बॉक्स टेबल पर रखा है, इसका फोर्स पेयर है धरती के द्वारा इस बॉक्स पर लगाई जा रही फोर्स। अब आप कहोगे ये क्या है, मतलब कुछ भी, टेबल की रिएक्शन फोर्स कहाँ गई जो टेबल ने बॉक्स पर लगा रखी थी? मास्टर जी ये ना चलता। अरे रुक जा मेरे सस्ते वैज्ञानिक, पूरी बात तो सुन ले। अब एक फोर्स बॉक्स टेबल पर लगाएगा, लो जी बन गए सारे फोर्स पेयर्स, वैल्यू भी बराबर है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, और अब दुनिया का कोई भी नियम इन्हें बदल नहीं सकता, चाहे खुद अपनी कब्र से न्यूटन ही क्यों ना वापिस आ जाए। अब आप पूछोगे मेरे से एक सवाल कि महाराज ये बताओ, आपको ये सब पता कैसे चल रहा है कि कौन सा किसका फोर्स पेयर है? कौन सी जड़ी बूटी खा के बैठे हो? थोड़ी सी इधर भी दे दो और मैं अवश्य बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो अब सुनो ध्यान से, किसी भी फोर्स पेयर का पता लगाने के लिए सबसे पहले ये देखो कि कौन फोर्स लगा रहा है। जैसे इस केस में टेबल बॉक्स पर फोर्स लगा रही है, अब आपको बस इसे उल्टा करना है, यानी बॉक्स टेबल के बजाय टेबल बॉक्स लिख दो, बन गया फोर्स पेयर, बस नाम उल्टे करने हैं, इतू सा ही था। और ये हर केस में वैलिड होगा। अगर कोई बॉडी अर्थ पर फोर्स लगा रही है तो उसका फोर्स पेयर अर्थ के द्वारा उस बॉडी पर लगाई गई फोर्स को कहेंगे, बस उल्टा करना है। अब आते हैं उस सवाल पर कि जब दो बराबर मास की बॉल सेम रफ्तार पर एक साथ टकराएंगी तो किसने पहले एक्शन किया? इसका जवाब है दोनों ने। न्यूटन के तीसरे नियम में एक्शन और रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होते हैं, ये कभी भी अलग अलग समय पर नहीं हो सकते, एक साथ ही एक्शन होगा और एक साथ ही रिएक्शन आएगा। अब ये जो इंस्टेंटेनियस शब्द है, यही बचा के रखेगा न्यूटन के नियम को, क्योंकि अगर मैं इसे हटा दूं तो भाई साहब न्यूटन का नियम ना बचता, नया नियम बन जाएगा। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में एक फोर्स एक ही समय पर दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकती। अब न्यूटन के तीनों नियम को एक साथ देखो। आपने पर्दे को पंच
पंच करके फोर्स लगा दी। आपके मास और पर्दे के मास में अंतर था। अब पर्दे ने आप पर वापस सेम फोर्स लगाई, लेकिन मास में अंतर होने की वजह से आपके पंच में ना के बराबर एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन पर्दे में एक्सेलरेशन पूरा हुआ। अब इस केस में एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्स बराबर है, यानी तीसरा नियम सही है। सेम फोर्सेस के लिए इनर्शिया में चेंज अलग अलग हो सकता है, यानी पहला नियम भी सही है। अब यहाँ दूसरे नियम को भी देख लो। आपने पर्दे पर फोर्स लगाई तो उसके मोमेंटम में चेंज आ गया, पर आपका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। अब अगर पर्दे से प्रेरणा लेकर यही काम आपने दीवार के साथ किया होता तो दीवार के पास तो मास है और वो आपके मोमेंटम को चेंज भी कर देगी। तो जब आप पंच करोगे तो दीवार पूरी फोर्स आपको वापस दे देगी, और वो ऐसा इसलिए कर पाएगी क्योंकि आपके पंच में इतनी ताकत नहीं कि दीवार के इनर्शिया को बदल सके। तो भैया न्यूटन के नियम तो बिल्कुल सही हैं, बस हमारे समझने का फर्क है। तो कभी भी किसी भी तरह के फोर्स एक्सचेंज को न्यूटन के एक नियम की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। अगर आप उसे हर एंगल से चेक करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। वापस चलते हैं सुपर स्ट्रेंथ पर। अब आपने सुपरमैन को पंच कर दिया, वो भी मिलियंस ऑफ न्यूटन्स की फोर्स लगाकर। तो भैया वो भी सुपरमैन है। अब क्योंकि दोनों का मास बराबर हो सकता है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस भी चलेगा, तो जितना आप फोर्स सुपरमैन पर लगाओगे उतनी ही फोर्स आप पर भी लगेगी, तो धरती खोद के गड्ढे में घुस जाओगे। और अगर आप सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके दुनिया को बचाने की कसम खा ही चुके हो तो सुनो ध्यान से, दुनिया का तो पता ना पर आप बहुत सारे लोगों की जान जरूर ले लोगे। देखो भैया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आपके हाथ का एरिया तो है बहुत कम, लेकिन फोर्स आपके पास भर भर के है, तो आपके हाथ के द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर बहुत ज्यादा तबाही लाएगा। जैसे डांस फ्लोर पर ऊंची ऊंची हील पहनी हुई मैडम किसी के भी पैर का कचूमड़ निकाल सकती हैं, चाहे उनका वजन मात्र 30 किलो ही क्यों ना हो। तो अगर आप आकाश से गिरते हुए किसी प्लेन को बचाने के बारे में सोच रहे हो तो आपके हाथ लगाते ही आप उस प्लेन के आर पार निकल जाओगे, और ऐसा होगा प्रेशर की वजह से, क्योंकि आपके पास फोर्स तो है लेकिन आपके हाथों का एरिया बड़ा कम है। और ये सुपर स्ट्रेंथ बिना डेंसिटी और ड्यूरेबिलिटी के आपके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि इस सुपर ताकत से जो चीज आप सबसे पहले तोड़ोगे वो होंगी आपकी खुद की हड्डियाँ, क्योंकि इस ताकत को झेलने के लिए आपकी बॉडी की डेंसिटी भी सुपर होनी चाहिए। तो भैया मुझे नहीं लगता कि सुपर विलन की धुनाई करने के लिए आप अपनी हस्ती खेलती हुई जिंदगी को नर्क बना लोगे, क्योंकि विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। तो अब भैया वीडियो खत्म हो गई, गले के तोते उड़ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।